हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वीटी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इस प्रोडक्ट की रिव्यू एंड डेमो। सो ये है गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, एंड ये आपको नो पैराबीन, नो सल्फेट एंड नो मिनरल ऑयल है। सो आपको जो ये इसमें नो पैराबीन है, तो ये आपके फेस को हार्म भी नहीं करेगा। तो मैं आपको इसकी रिव्यू दे देती हूँ, देन मैं आपको इससे कैसे अप्लाई करते हैं एंड कैसे जो भी प्रोसेस है मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। सो आप देख सकते हो इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह की ट्यूब में आता है। सो आप देख सकते हो, एंड ये बहुत ही हैंडी है। सो आप एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो आप इसे कहीं भी अपने पर्स में डाल के लेके जा सकते हो। एंड इसमें आपको टोटल 100 ग्राम अमाउंट मिल रहा है, नेट वेट है। एंड यहाँ पे आपको सारा डिटेल वगैरह देके रखा हुआ है, इसमें इंग्रेडिएंट भी केयरफुल एंड हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है सारा प्रोसेस इसमें देके रखा हुआ है। एंड इसकी प्राइस है आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो इसकी प्राइस है आपको 249 रुपीज़, एंड ये आपको इजिली purple.com पे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे डिस्काउंट रहता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इट होता है अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार आप यहाँ पे अपने साइड में इसे अप्लाई करके टेस्ट कर ले कि आपके मतलब फेस को हार्म कर रहा है कि नहीं, तो उसके बाद ही अप्लाई करें। तो अब मैं इसके आपको डेमो दिखाती हूँ कि आपको पता चल जाएगा इसका रिजल्ट क्या है। सो मैं भी सब आपके सामने करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके फेस को ना क्लीन करना होता है। तो मैं आप देख सकते हो मैं अभी अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ, एंड सिर्फ लिपस्टिक मैं अभी सिर्फ लगाई हूँ, फेस को पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ, यू कैन सी, आप देख सकते हो। सो एंड सेकेंड, आपको ना स्टीम लेना अपने फेस पे, तो जो भी आपका जो पोर्स होता है आपके फेस पे वो आपका क्लोज होता है, तो आप जब स्टीम लोगे तो आपके पोर्स को ना बहुत अच्छे से ये ओपन कर देता है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। अपने फेस को अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ, क्लीन कर ली हूँ, देन मैं अब इसे अप्लाई करती हूँ। सो आपको इसे ना थिक अप्लाई करना है अपने फेस पे। अप्लाई कर लियो, और आपको ना इसे थिक अप्लाई करना होता है, तो आप इसे पतला थिन अप्लाई मत करना, तो आपको निकालने में प्रॉब्लम होगा। सो मैं अभी अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर ली हूँ, तो इसे 15 से, इसमें लिखा हुआ है कि आपको 15 से 20 मिनट तक इसे छोड़ के मतलब ड्राई होने देना है, तो मैं मिलती हूँ आपको 15 से 20 मिनट के बाद। सो आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। सो मैं इसे अच्छी तरह से इसे रिमूव करूँगी, आपको नीचे की तरफ से ही रिमूव करना है, ऊपर की तरफ से कभी रिमूव ना करें। एंड मैं आप देख सकते हो मैं इसे अच्छी तरह से रिमूव कर रही हूँ, बहुत ही ईजिली ये रिमूव भी हो रहा था, तो आप देख सकते हो, बट मेरे चीक के पास ये ड्राई नहीं हुआ। और मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहती हूँ गाइस, ये इसमें आपको इसमें बोला था कि 15 से 20 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको ये मुझे लग गया था 45 से 1 आवर लग गया था इसे ड्राई होने में, फिर भी मेरे चीक के पास ये ड्राई नहीं हुआ था। सो मैं आपको ये है, एंड आप देख सकते हो मैं इसे बहुत ही आराम से इसे मैं निकाल रही हूँ, बहुत ईजिली रिमूव भी हो रहा था। सो मेरा ये फर्स्ट इम्प्रेशन के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था मेरा पील ऑफ मास्क का। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, और ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट पील ऑफ मास्क है, एंड समर के लिए भी। सो जिसकी ड्राई स्किन है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, एंड जिसकी ड्राई स्किन है मैं उसको उनको हाईली रिकमेंड करूँगी। सो आप देख सकते हो इसे अच्छी तरह से मैं रिमूव कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से मेरे ये जो भी डर्ट हैं एंड जो भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं जो भी सब निकल गया था, एंड जो भी फेशियल हेयर छोटा छोटा जो था वो भी निकल गया था अच्छी तरह से। सो आप देख सकते हो मेरे चीक के पास ये ड्राई नहीं हुआ है। सो मैं इसे वाटर पानी की हेल्प से इसे रिमूव कर लूँगी,
एंड गाइज आप देख सकते हो कितना मेरे फेस से ये निकला, ये नोज़ एरिया का है, सो आप देख सकते हो बहुत सारा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकला है एंड फेशियल हेयर भी मतलब रिमूव हुआ है, आप देख सकते हो। मैं क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ एंड आप देख सकते हो ये बात का है, बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही स्मूथ लग रहा था फेस। सो ये है मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।